नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आते ही चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है, जिसका ताजा उदाहरण न्यायधानी बिलासपुर की अरपा नदी का शिवघाट बैराज है, जहां ठेकेदार सुनील अग्रवाल अधिकारियों से मिली भगत कर खुलेआम भ्रष्टाचार की एक और नई इबादत लिख रहा है। आइए देखते हैं इस पे बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर के अरपा शिवघाट में बन रही बैराज भ्रष्टाचार की बेदी पर बलि चढ़ रही है और ठेकेदार सुनील अग्रवाल अधिकारियों से मिली भगत कर खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेल रहा है। वहीं इस मामले पर जब कांग्रेसी नेता अटल श्रीवास्तव से पूछा गया कि शिवघाट बैराज में भ्रष्टाचार हो रहा है और बिना टेंडर के ही काम हो रहा है, तो अटल श्रीवास्तव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सीएम का है और ये गलत नहीं हो सकता। वहीं अटल का ये भी कहना है कि मुख्य अभियंता के पास अधिकार है और टेंडर की कोई भी जरूरत नहीं है और ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। हमको कोई मतलब नहीं टेक्निकली क्या हो रहा है, हमको तो हमारा ब्रिज जो है बैराज है वो टेक्निकली अच्छा बनना चाहिए, उसको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और उसमें पानी का भराव होना चाहिए। कोई एक आदमी को टेंडर नहीं मिलता है, वो कोर्ट जाए कचहरी जाए, हमको इससे मतलब नहीं। जो कि बिलासपुर का मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी काम होगा वो बहुत अच्छे से होगा और ये बिलासपुर से आने वाले 50 सालों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोजेक्ट होगा, इसलिए हम सबकी भावनाएं इसलिए। जब प्रोजेक्ट एस्टिमेट बनता है और उसकी डिज़ाइन बनती है, तब सिचुएशन सॉल्व होते हैं। और जब साइट पर आप काम करते हैं तब आप सिचुएशंस को बदल सकते हैं। अगर साइट पे इंस्पेक्शन पे ये बात सामने आती है कि डायफॉर्म बनाना जरूरी है, तो चीफ इंजीनियर का अपना विशेषाधिकार होता है। बाकी चीज़ें ओपन है, कोई भी चीज़ छिप नहीं सकती। आजकल के समय में कोई भी कॉन्क्रीटिंग का काम है, कोई भी काम ऐसा है कि आप उसकी एक एक डिटेल्स निकाल सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीफ इंजीनियर का विशेषाधिकार है कि उसको अगर लगता है ये टेक्निकल ये वाले काम करने से ये काम अच्छा होगा, तो उसको अधिकार है, वो करेगा और अपने काम को पूरा करेगा। फंडा ये है कि डायफॉर्म वॉल वहाँ पर जानी है जहाँ पर स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है। अगर पत्थर 5 मीटर में मिलेगा तो 5 मीटर तक डायफॉर्म जाएगी। अगर पत्थर जो है 20 मीटर में मिलेगा तो 20 मीटर तक डायफॉर्म जाएगी, उसके हिसाब से सब काम होगा। ये मान रहे ये लोग कि 5 रुपये मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, वो देखिए हर चीज़ का यहाँ पर मेजरमेंट होगा, हर चीज़ की बातें होंगी और जिस डेप्थ पे जा रहा है। देखिए ओपन टेक्निक हम लोग देखने आए हैं, कल से रेगुलरली लोग भी देखने आएंगे कि किस तरीके से बिलासपुर अरपा बैराज का काम चल रहा है। और हम लोग इस बारे में बहुत आश्वस्त हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, काम बहुत अच्छा होगा। न्यायधानी में जहाँ लोग न्याय पाने के लिए आते हैं, वहीं बिलासपुर के अरपा शिवघाट में बन रहे बैराज में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खेल ठेकेदार सुनील अग्रवाल अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके खेल रहा है। मुख्य अभियंता अजय सोमावार भ्रष्टाचार करने की आड़ में नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं और अब देखना ये होगा कि इस तरह कब तक भ्रष्टाचार को अंजाम देते रहेंगे और ऊपर बैठे लाचार अधिकारी देखते रहेंगे। तो ये थी जल संसाधन विभाग से जुड़ी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।